एक तरफ गॉडज़िला ने जहां बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के छक्के छुड़ा चुका है, तो वहीं पर साइरन हेड ने भी कम तबाही नहीं मचाई है, जिसके चलते फिक्शनल वर्ल्ड में इन दोनों को ही काफी खतरनाक माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो उनमें विजेता कौन होगा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर साइरन हेड की ओरिजिन की बात करें, तो इस अजीब से मॉन्स्टर को एक अननोन जीव माना जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर कई लोग इसे एक एलियन मानते हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यह सिर्फ एक कहानी मात्र है जिसका एक्चुअल में कोई वजूद नहीं है। इससे जुड़ी कहानी तो साइरन हेड की ओरिजिन स्टोरी साल 1920 से शुरू हुई थी, जिसमें कनाडा के एक छोटे से कब्जे में मौजूद एक औरत जब अकेले घूम रही थी, तो उस समय उसकी नजर वहां मौजूद एक अजीब से क्रीचर पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि बेबी साइरन हेड ही था। दोस्तों, जैसे ही उस औरत ने सामने से उस अजीब से क्रीचर को देखा, तब वो उसे देखकर डर गई थी और फिर घर वापस आ गई, जहां उसने इस अजीब से क्रीचर के बारे में अपने दोस्तों को बताया। लेकिन किसी भी दोस्त ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और वो उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वो क्रीचर एक एलियन होगा। मगर उस औरत को लोगों की परवाह नहीं थी, जिसके बाद वो दोबारा उस जगह पर गई और अजीब से दिखने वाले उस बेबी क्रीचर को अपने साथ अपने घर ले आई, जहां उसने साइरन हेड की परवरिश की और उसे चलना फिरना सिखाया। हालांकि इसके बाद जब साइरन हेड की मुंह बोली माँ उसे लोगों के सामने ले गई, तब सभी लोग उसे देखकर डर गए और वहां से भागने लगे, जिसे देख साइरन हेड को काफी बुरा लगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसने हिम्मत दिखाई और बाहर के लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर जालिम जमाने के लोगों ने साइरन हेड को इतना परेशान किया कि एक दिन वो उनकी वजह से खूंखार मॉन्स्टर में तब्दील हो गया और जंगल में जाकर रहने लगा, जिसके बाद जो भी जंगल से गुजरता वो उसका वहीं पर काम तमाम कर देता। अब गॉडज़िला के ओरिजिन को देखें, तो जापान बेस्ड स्टोरी के अनुसार गॉडज़िला का ओरिजिन समुद्र के अंदर से हुआ था और पहले वो भी एक नॉर्मल क्रीचर ही था, जो कि एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से म्यूटेट होकर एक बड़े से गॉडज़िला में बदल गया, जिसमें इतनी शक्ति आ गई कि ये पल भर में बड़े से बड़े चीजों को राख के ढेर में बदल सकता था। इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जब भी दुनिया में कोई ऐसी विकट स्थिति आती है जिसे इंसान संभाल नहीं पाता, तब उस दौरान ही गॉडज़िला का समुद्र से ओरिजिन होता है, जो धरती पर आकर लोगों की रक्षा करता है और अपना काम पूरा करके वापस से समुद्र में चला जाता है, क्योंकि इसे ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन प्राप्त करने के लिए समुद्र के नीचे रहना पड़ता है। इन दोनों के अपीयरेंस की बात करें, तो साइरन हेड एक वुडन का लड़का 40 फीट का विशाल मॉन्स्टर है, जिसकी गर्दन के ऊपर हेड की जगह दो बड़े साइरन लगे हुए हैं। ये देखने में काफी पतला लगता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइरन हेड कमजोर है, क्योंकि इसकी बॉडी आयरन के जैसा मजबूत है। साथ ही इसके लंबे लंबे लेग्स तेज भागने में इसकी मदद करता है और इसके लंबे हाथ शिकार को पकड़ने में सक्षम है, जिनमें मौजूद फिंगर किसी धारदार नाइफ की तरह काम करती है। वहीं पर हमें आपको गॉडज़िला के अपीयरेंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो आप पहले भी जान चुके हैं। तो अगर इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करें, तो जहां पर साइरन हेड का मेन पावर उसकी साइरन ही है और जिसकी मदद से वो इतनी तेज आवाज निकाल सकता है जिसको सुनकर कोई भी ना सिर्फ बहरा हो जाएगा बल्कि उसके दिमाग की नसें भी फटने लगेगी, जिससे उसकी मौत निश्चित है। ये अपने पावरफुल साइरन के दम पर एक विशाल टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है, साथ ही इनकी मदद से ये अलग अलग आवाज निकाल कर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है। और तो और इसके पास माइंड रीड करने की भी पावर्स है, जिसकी हेल्प से इसे मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। साइरन हेड के पास कैमोफ्लेज करने की भी एबिलिटीज है, जिसके चलते ये खुद को किसी भी कंडीशन में अपने आप को दूसरों से छिपाने में सक्षम है, जिसे खोज पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। वही गॉडज़िला की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें, तो गॉडज़िला का मेन पावर इसकी एटॉमिक ब्रेथ है, जिसकी हेल्प से ये बड़े बड़े शहर को तबाह कर सकता है। इसका बड़ा सा साइज भी इसके लिए एक एडवांटेज के रूप में काम करता है, जिसकी मदद से इसने किंग गिदोरा जैसे मॉन्स्टर को भी धूल चटाया है। बड़े साइज के साथ गॉडज़िला के पास गजब की फुर्ती भी है और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, जो बड़े से बड़े ब्लास्ट और वेपन अटैक्स को भी झेल सकता है। इसकी स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर की है और इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, जो इसको किसी भी चोट से बड़ी जल्दी हील करवा देता है। गॉडज़िला और साइरन हेड की पावर और एबिलिटीज को जान लेने के बाद अगर इन दोनों के बीच में फाइट करवाई जाए, तो ये फाइट बिल्कुल एक तरफा ही होने वाला है, क्योंकि साइरन हेड भले ही अपनी जानलेवा आवाज से किसी के भी कान के पर्दे फाड़ सकता है, पर ये आवाज गॉडज़िला का कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि एटॉमिक ब्रेथ रिलीज करते वक्त गॉडज़िला भी ऐसी आवाज क्रिएट करता है जिसके चलते वो साउंड प्रूफ हो जाता है। इसके अलावा गॉडज़िला के सामने साइरन हेड की माइंड रीडिंग करने की कैपेबिलिटीज भी किसी काम में नहीं आने वाली, और वो इसलिए क्योंकि भले ही वो इसकी मदद से गॉडज़िला के अगले वार को जान जाएगा, पर वो ये जानकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रेथ कई किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देती है, जिसके सामने लोहा भी मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि गॉडज़िला साइरन
हेड के सामने अपनी एटॉमिक ब्लेड यूज ना करके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेगा तो भी साइरन हेड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी गॉडजिला ने बहुत से क्रिएचर्स को हराया है और ऐसे में साइरन हेड तो पल भर में ही खत्म हो जाएगा, जिससे इस फाइट का विनर गॉडजिला ही होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप इससे पहले साइरन हेड के बारे में जानते थे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपके मुताबिक अगर इन दोनों की फाइट हो जाए तो उनमें कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।